सर एक 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 बड़ा मुद्दा है सर, फेलियर कैसे हैंडल करें। बच्चे आत्महत्या करने लग जाते हैं, एग्जाम में फेल हो गए आत्महत्या, जॉब नहीं मिली या जॉब में अनसक्सेसफुल हुए आत्महत्या, बिजनेस में थोड़ा बहुत कुछ अनसक्सेसफुल हुए, जरा सा कुछ हुआ लॉस हुआ या कुछ आत्महत्या, फेलियर कैसे हैंडल कर सकते हैं सर हम। देखिए जो बच्चे फेलियर हैंडल नहीं कर पाते, एक तो उनकी अपनी बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस में कमी है जिसकी वजह से वो ऐसा स्टेप उठाते हैं। दूसरा, मैंने कई लोगों को देखा है जिन बच्चों ने ऐसे किया है, उनकी फैमिली का भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो हमें अपने बच्चों पर ऐसा प्रेशर नहीं रखना चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है जो बच्चों की माँ या बाप का जो सपना होता है वो बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। मान लो उनका बाप इंजीनियर नहीं बन पाया, वो सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। मान लो उनकी माँ को डांस नहीं आता अच्छा, कथक नहीं आता, सीखना चाहते थे, वो सोचते हैं इसे मैं कथक सिखा दूँ। उस बच्चे की इच्छा है या नहीं है? तो अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर ना ला दें, पहली बात। जहां उसका मन है उस बच्चे को वो करना चाहिए अपने हिसाब से। और बच्चे की भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे, चीजों को समझे, अच्छी किताबें पढ़े या अच्छे लोगों के प्रवचन सुने। धार्मिक के नहीं कह रहा मैं बिल्कुल भी, मैं बोल रहा हूं जैसे ओशो हैं, रविशंकर जी हैं, वो भी ठीक हैं, यहां के हिसाब से ठीक है, ठीक है। वो स्वेट मॉडर्न और डेल कार्नेगी की कॉपी की हुई है उन्होंने, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिविटी के ऊपर हमें कैसे जीना है, हमें कैसे समस्याओं का सामना करना है, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे प्रवचन सुने। तो समस्याएं तो हर आदमी के जीवन में है, कठिनाइयां हर किसी के जीवन में है, किसी के कुछ किसी के कुछ। किसी के पास बहुत पैसा है वो तो हो सकता है उसके लड़का ना हो, किसी के पास खूब पैसा है हो सकता है कि वो खुद बीमार रहता हो, किसी के पास सब कुछ है तो उसका बिजनेस ना अच्छा चलता हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट, मैंने भी दुनिया में बहुत लोग देखे हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत मतलब मेरे से हजारों गुना बड़े हैं, जो कहीं कहीं हजार करोड़ रुपए जिन्होंने कमाए हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं देखूं तो ऐसा नहीं, कंप्लीट मैन मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं। उन्होंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी धक्के खाए हैं, और ऐसा नहीं कोई कि ऐसे मोल्ड में बन के आया कि बस वो जो उसने चाहा वो हो गया, वो करना ही पड़ता है। और एक शेर मुझे याद आया, आप कहें तो वो सुनाता हूं कि उनके माथे पे कहां कोई शिकन होती है, उनके माथे पे कहां कोई शिकन होती है जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है, और जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि मैं आदत पड़ जाए मेहनत करने की, और इतना आनंद लेना है कि आनंद ही आनंद हो जीवन में। तो ये सब हमारे मन के ऊपर है, हम अपने मन को कैसा बनाते हैं, हम कैसा सोचते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को सोचेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एक किताब पूरी भर जाएगी प्रॉब्लम। अगर मैं आज अपनी लिखने लगूं, एक कॉपी पूरी भर सकता हूं, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन अगर मैं ढूंढना चाहूं तो उसमें भी एक पूरी कॉपी में भर सकता हूं, इतने सोल्यूशन निकल जाएंगे। तो हम फोकस अपने सोल्यूशंस पर करें, ना कि प्रॉब्लम्स पर।